Assalamu alaikum, dear students. This is Hafiz Sir, your teacher of Pakistan Studies. Today we are going to discuss our next topic of grade 10. Our topic is Benazir Bhutto's second government era. Benazir Bhutto ka dusra dore hukumat. 10th class ka first chapter, jo ki chapter number 6 hai Pakistan Studies ka, uska ye topic hai. और आप लोगों की बुक्स में ये टॉपिक पेज नंबर 17 के ऊपर गिवन है, बोथ इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों बुक्स के अंदर पेज नंबर 17 है. बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड आल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियोस सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस लेक्चर्स. वन मोर थिंग इज दैट यू पीपल हैव टू सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगी. उन क्वेश्चंस को अपने पास नोट डाउन कीजिए एंड इंशाल्लाह ड्यूरिंग लेक्चर वी विल ट्राई टू डिस्कस एंड आंसर दिस क्वेश्चंस. नाउ वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर प्रॉपरली. इनिशियली वी विल डिस्कस अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ दिस टॉपिक. In Pakistan, general elections held in 1993, these were the sixth general elections in the history of Pakistan. Leader of Pakistan People's Party, Benazir Bhutto, won the elections. People's Party basically was the largest party in these elections. सबसे ज़्यादा seats People's Party को मिली थी 1993 में जो छठे आम इंतखाबात हुए पाकिस्तान के उनमें. और पीपल्स पार्टी की जो सरबराह थी बेनज़ीर भुट्टो वो दूसरी दफ़ा सेकेंड टाइम पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुई. सेकेंड टाइम बेनज़ीर भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर बनी ऑन दैट टाइम शी वॉज 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की 13वीं वज़ीर आज़म थी. उनसे पहले 12 वज़राए आज़म पाकिस्तान में गुजर चुके थे. सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो स्टार्टेड इन अक्टूबर 1993 एंड एंडेड इन नवंबर 1996. नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स. बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत में जो अहम वाक़यात हुए, जो डिफरेंट स्टेप्स बीइंग प्राइम मिनिस्टर उन्होंने लिए, वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तरक्याती मंसूबे. देर आर टू मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स स्टार्टेड बाय बेनज़ीर भुट्टो एज प्राइम मिनिस्टर. फर्स्ट वन इज कराची फ्लाईओवर ब्रिज एंड द सेकेंड वन इज लाहौर बाईपास. ये दो बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो उन्होंने लॉन्च किए. बाईपास ये एक जनरल टर्म है, ये मेडिकल वाला बाईपास नहीं है. इसमें ये होता है कि कोई भी मेन रोड, कोई हाईवे, जीटी रोड या कोई बड़ा रास्ता सड़क अगर किसी पॉपुलस एरिया में से गुजर रही हो, किसी शहर में से, किसी ज़्यादा आबादी वाले इलाके में से रोड पास कर रही हो, तो ट्रैफिक फ्लो को मेंटेन करने के लिए, रश से बचने के लिए रोड को डाइवर्ट करके उस शहर या पॉपुलस एरिया के बाहर से गुजारा जाता. तो ये जो डाइवर्टेड रोड होती है जो पॉपुलस एरिया को बाईपास करती है, उसके बाहर से गुजरती है, इसको बेसिकली बाईपास कहा जाता. बहुत कॉमन कंसेप्ट है इन मॉडर्न टाइम्स इन ऑलमोस्ट ऑल द मेजर सिटीज़. पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के साथ ये बाईपासेस बन चुके हुए हैं. ऑन दैट टाइम ये इतने कॉमन नहीं थे. लाहौर वाज अ मेजर सिटी ऑफ पाकिस्तान, सेकेंड पॉपुलस सिटी था, दूसरा बड़ा शहर था आबादी के लिहाज से. तो इस हवाले से ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था लाहौर बाईपास. फ्लाईओवर ब्रिज कंसेप्ट सेम है, बट वहाँ पर ये होता है कि रोड को डाइवर्ट करने की बजाय एक ब्रिज बनाकर ऊपर से पॉपुलस एरिया के या शहर के ऊपर से रोड को गुजारा जाता है. दैट इज़ नोन एज फ्लाई ओवर ब्रिज.
ये दो मेजर प्रोजेक्ट्स थे जो कि बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट में स्टार्ट हुए. हमारे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर ये है. फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो कि आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी वो है, विच डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड बाय बेनजीर गवर्नमेंट. बेनजीर की हुकूमत में कौन कौन से तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए. तो ये दो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, कराची फ्लाईओवर ब्रिज और लाहौर बाईपास. नेक्स्ट पॉइंट है प्लान्स फॉर फार्मर्स एंड वेमेन, किसानों और ख़वातीन के लिए मंसूबे. किसान बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स टू फार्मर्स, किसानों को ज़रई कर्ज़े फ्राहम करने के लिए ये किसान बैंक बनाया गया था, जो कि फार्मर्स को लोन्स प्रोवाइड करता था ऑन ईजी इंस्टॉलमेंट्स उनकी एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट्स को मीटअप करने के लिए, एग्रीकल्चरल मशीनरीज को ख़रीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स ख़रीदने के लिए, बीज ख़रीदने के लिए या और एग्रीकल्चरल नीड्स को मीटअप करने के लिए ये लोन्स प्रोवाइड किए जाते थे ऑन ईजी इंस्टॉलमेंट्स थ्रू किसान बैंक. वन मोर थिंग वॉज नेशनल ट्रैक्टर स्कीम, जिसको उर्दू की बुक्स में अवामी ट्रैक्टर स्कीम लिखा हुआ है. इसको हम नेशनल ट्रैक्टर स्कीम भी कह सकते हैं, अवामी ट्रैक्टर स्कीम भी कह सकते हैं. गवर्नमेंट की तरफ से ये एक स्कीम लॉन्च की गई थी कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, छोटे किसान, मीन्स कि जिनके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा नहीं हैं, थोड़ी बहुत ज़मीनें हैं, उनके लिए ये एक स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई थी थ्रू ड्रॉस, कुरा अंदाजी के ज़रिए से गवर्नमेंट की तरफ से लो प्राइसेस के ऊपर, सब्सिडाइज्ड प्राइसेस, कम प्राइस के ऊपर इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू उनको ट्रैक्टर्स प्रोवाइड किए जाते थे, सो दैट कि वो उससे एक तो कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकें, टाइम सेविंग कर सकें, मैक्सिमम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उससे गेन की जा सके और एग्रीकल्चरल सेक्टर डिवेलप हो. Different social and health policies were started for women typically. Society के अंदर, समाज यानी मुआशरा, मुआशरे के अंदर उनको मुख्तलिफ हुकूक फराहम करने के लिए ख़वातीन को कुछ social policies start की गई थी, उनके rights उनको properly provide करने के लिए. Different health policies, health schemes were also started for typically for women. And separate police stations and courts were established for women also. ख़वातीन के लिए अलहदा पुलिस स्टेशन और अदालतें बनाई गई थी. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. प्रायरली देर वॉज नो सेपरेट सेटअप और सिस्टम. जनरली इन अ सोसाइटी ये कॉमन फैक्टर है, किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर क्राइम या लॉ एंड ऑर्डर और इस तरह की चीज़ों के हवाले से मुख्तलिफ इश्यूज होते रहते हैं. प्रायरली ऐसा होता था कि पुलिस स्टेशंस के अंदर या लॉकअप्स के अंदर या मुख्तलिफ और इस तरह की जगहों में मेल और फीमेल के लिए कुछ डिफरेंट सेटअप्स नहीं थे, एक ही जगह के ऊपर उनको रखा जाता था, सेम प्लेस में, सेम बिल्डिंग्स के अंदर. उसकी वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो हमारी ईस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर मशरकी मुआशरों की जो रवायात हैं, फिर हमारी जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली मेल और फीमेल के लिए एक ही प्लेस के ऊपर उनको रखा जाना या एक ही प्लेस अवेलेबल होना, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी. और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप था जो बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट के अंदर लिया गया. अब यहाँ पर यह है कि दो मेजर ये जो सेक्ट्स हैं या सेक्टर्स हैं इनको टारगेट किया गया था, फार्मर्स और वेमेन. फार्मर्स इन अ सेंस पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोफेशन था, अभी भी है, एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर को बूस्ट अप करने के लिए, फार्मर्स का स्टेटस बेटर करने के लिए ये प्लान्स लॉन्च किए गए. सिमिलरली पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 48-49% ऑन दैट टाइम फीमेल्स थी, ख़वातीन थी,
ये भी एक बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती थी सोसाइटी के अंदर। कुछ इश्यूज अभी भी हैं, काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें सॉल्व भी हो चुकी हुई हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और अप्रिशिएटेड स्टेप्स थे जो कि फॉर वुमेन बेनजीर गवर्नमेंट के अंदर लिए गए। दिस पॉइंट इज द आंसर ऑफ आवर सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन। बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के अंदर भी गिवन है और बोर्ड एग्जाम्स में भी काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका हुआ है। विच प्रोजेक्ट्स वर स्टार्टेड बाय बेनजीर भुट्टो फॉर फार्मर्स एंड वुमेन। बेनजीर भुट्टो ने किसानों और ख़वातीन के लिए कौन कौन से मंसूबे शुरू किए। तो इस टॉपिक का जो सेकंड पॉइंट है आपकी बुक्स के अंदर, जो आपको सामने लिखे हुए भी पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एट्थ फाइव ईयर प्लान। बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट के अंदर जो सेकंड उनकी टर्म थी उसमें एट्थ फाइव ईयर प्लान पाकिस्तान का स्टार्टअप हुआ था, जिसकी ड्यूरेशन थी 1993 टू 1998। दिस प्लान बेसिकली स्टार्टेड रैपिड डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर टोटल एट फाइव ईयर प्लान्स हैं। फाइव ईयर प्लानिंग 1955 में स्टार्ट हुई थी, जो आप लोगों ने नाइन्थ क्लास के अंदर भी पढ़े, सेकेंड और थर्ड फाइव ईयर प्लान नाइन्थ क्लास के अंदर आपने पढ़ा था। टोटल एट फाइव ईयर प्लान थे। एट फाइव ईयर प्लान वॉज द लास्ट ऑफ द फाइव ईयर प्लान्स और काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल था, काफ़ी सारे टारगेट्स इसमें अचीव भी हुए थे। दिस प्लान वॉज स्टार्टेड इन द सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ बेनजीर। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का ये आंसर है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो आप लोगों ने नोट कर ली हुई है, विच फाइव ईयर डेवलपमेंट प्लान वाज स्टार्टेड इन एरा ऑफ बेनजीर एंड भुट्टो। बेनजीर की हुकूमत में कौन सा पाँच साल मनसूबा शुरू किया गया और कब? एट्थ फाइव ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन द सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ बेनजीर इन 1993। अब नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन विजिट्स एंड कश्मीर इशू, बैरूनी दौरे और मसला कश्मीर। बीइंग प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो पेड विजिट्स टू ईरान एंड टर्की एंड बोथ द कंट्रीज प्रोवाइडेड मॉरल सपोर्ट ऑन कश्मीर इशू एंड डिफरेंट एग्रीमेंट्स ऑफ कोऑपरेशन वर साइंड विद दीज कंट्रीज। ईरान और तुर्की ये दो ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने स्टार्ट से थ्रू आउट द हिस्ट्री कश्मीर इशू के ऊपर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा सपोर्ट किया है। बेनजीर भुट्टो के इन दोनों विजिट्स के अंदर भी ईरान और तुर्की की गवर्नमेंट्स ने पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट किया कश्मीर इशू के हवाले से। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो डिमांड है कि कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का ख़ुद फैसला करने का हक मिलना चाहिए, दोनों कंट्रीज़ ने इस पॉइंट को सपोर्ट किया और पाकिस्तान को बैक किया। और उसके अलावा भी पाकिस्तान के साथ इन दोनों कंट्रीज़ के डिफरेंट कोऑपरेशन के एग्रीमेंट्स साइन अप हुए। नेक्स्ट पॉइंट इज केपीके गवर्नमेंट, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। पीर साबिर शाह वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके व्हिच वाज ऑन दैट टाइम नोन एज नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सूबा सरहद जिसका अब नाम खैबर पख्तूनख्वा है। इसके वज़ीर आला थे पीर साबिर शाह, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बिलोंग करते थे। सेंटर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन केपीके के अंदर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो पीएमएलएन की थी और पीएमएलएन के पीर साबिर शाह वहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे। गवर्नमेंट वॉज डिसॉल्व, दिस हैपन्ड इन 1994। 1994 में
अक्टूबर 1993 में इलेक्शंस के बाद ये गवर्नमेंट्स बनी थी। नेक्स्ट ईयर 1994 में केपीके की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया गया और पीर साबिर शाह की जगह आफताब अहमद शेरपाओ, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते थे, वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर बन गए। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, बेनज़ीर भुट्टोज फर्स्ट गवर्नमेंट एरा, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट था वो भी काफ़ी हद तक इस पॉइंट से सिमिलर था, लेकिन वहाँ पर यह था कि ज़फ़रुल्ला जमाली चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे, वो भी PMLN के थे, लेकिन फौरी तौर पर अभी तक उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं लिया था कि बेनज़ीर भुट्टो ने बलूचिस्तान असम्बली को डिसॉल्व कर दिया था। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर असम्बली को डिसॉल्व नहीं किया गया था, बल्कि इंटरनली मेंबर्स की सपोर्ट गेन करके डिफरेंट मेथड्स के थ्रू PMLN के मेंबर्स को अपने साथ मिलाकर मेजॉरिटी गेन की गई और पीर साबिर शाह को चेंज करके उनकी जगह पर आफताब अहमद शेरपाओ को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो था, हु वाज रिप्लेस्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके इन 1994 एंड बाय होम। 1994 में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के तौर पर किस को बरतरफ किया गया और उनकी जगह पर कौन वजीर आला बना? पीर साबिर शाह वाज रिप्लेस्ड एज चीफ मिनिस्टर बाय आफताब अहमद शेरपाओ। पीर साबिर शाह को हटाकर आफताब अहमद शेरपाओ को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का वजीर आला बनाया गया। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट, हुकूमत की बरतरफी। द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर फारूक अहमद खान लगारी, यूजिंग द पार्ट्स ऑफ 58(2)(b) अंडर चार्जेस ऑफ करप्शन, डिसमिस्ड द गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो इन नवंबर 1993। सदर फारूक अहमद लगारी ने आइन की दफा 58(2)(b) 58(2)(b) को इस्तेमाल करते हुए करप्शन के इल्ज़ाम के तहत नवंबर 1993 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दी। ये आर्टिकल 58(2)(b) हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है, 58 क्या है, 2 क्या है, बी क्या है और इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या पावर्स हैं, क्या डिस्क्रिप्शंस हैं प्रेसिडेंट की और किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। दिस गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर लास्टेड फॉर 3 ईयर्स। बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत 3 साल तक रहा था। ये लास्ट पॉइंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हु डिसमिस्ड द सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो एंड व्हेन। बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत को किसने और कब बरतरफ किया था, तो उसके आंसर में ये पॉइंट आप लोगों ने लिखना है। दैट्स इट अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द पॉइंट्स एंड द कंसेप्ट्स ऑफ these points. In case of any confusion, any question or any query, you people are more than welcome to please contact me without any kind of hesitation. And at the end, once again, I would like to request all of you to please do subscribe the channel and also like and share the videos. Thank you very much.